देख लिया और जो आशा अपेक्षा थी वो निराश हो गए हैं, और उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए एक आशा का किरण बना हुआ है, और मोदी जी पंजाब को फिर से खुशहाल पंजाब, मजबूत पंजाब बना सकते हैं। ये बात सबके मन में आज स्पष्ट बन गई है, और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लोग, गांव, शहर, युवा, बुजुर्ग, सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हर रोज काफ़ी लोगों को हम लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी बदल गई है कि रास्ता आसान हो गया है, और सामने से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, पार्टी का विस्तार हो रहा है। तो लोगों में इतना आक्रोश, और मीडिया ने भी जिस तरीके से इस इश्यू को लिया, तो उनको करना पड़ा है, क्योंकि चुनाव के वक्त, जलंधर की चुनाव आ रही है, लोकसभा की चुनाव आ रही है, इसलिए दिखावा के लिए कर रहे हैं। हम मानते हैं कि अगर उनकी नीयत अच्छी है तो उनको सजा देने के लिए सरकार प्रयत्न करे। पंजाब के लोग अमन और शांति चाहते हैं, पहले भी चाहते थे, आज भी चाह रहे हैं, इसलिए ऐसी बातें कोई मानने वाले नहीं है। और मैं मानता हूँ कि इस बात से पंजाब में पहले भी हिंदू सिख एकता थी, आज भी है और रहेगी। पर अमृतपाल को लेकर दोनों तरफ से मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिन में अकेली चुनाव लड़ेगी, और भारतीय जनता पार्टी अकेले ही आगे बढ़ेगी। तो करना पड़ा, पकड़ा उन्होंने, इसलिए कि इतना मीडिया ने इश्यू को बढ़ाया और लोगों ने देखा कि सीधा पैसा ले रहा है, तो उनको करना पड़ा है लोगों को दिखाने के लिए। अगर उनकी नीयत अच्छी है तो सरकार ऐसी परिस्थिति न्यायालय में बनाए कि उनको सजा मिले। पहले तो विजिलेंस विभाग ने जो क्लीन चिट दे दी थी, हाँ, इसलिए उनकी नीयत अच्छी नहीं है, ये तो साफ है। जलंधर के चुनाव के लिए क्या? जलंधर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, जीतेगी, अकेली लड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन दिया बैठक जिड़िया करना है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और ये जोनल बैठक थी, और जी अज टांडा के अंदर हुई है, ये अंदर सात जिलों के पार्टी के पदाधिकारी जड़े आ निश्चित पदाधिकारी होंगे। साढ़े कोई दूसरे दलों की तरह नहीं होता कि कोई 100 वाइस प्रेजिडेंट, 2 सैकटरी, साढ़े एक लिमिट है कि 6 वाइस प्रेजिडेंट, 6 सैकटरी होने हैं। ऐसे जिले के पदाधिकारियों के अंदर पार्टी ने अज आने वाले लोग सभा चोना और कुछ नगर निगम दोना हो रही हैं, उन्होंने सब के उ विचार किया, और पंजाब के मुद्दों के उत्ते भी विचार होया कि ये सरकार आन तो बाद आज पंजाबी एक बार फिर ठगिया ठगिया महसूस हो रहा, निराशा सी व्यवस्था के खिलाफ, वो कारण ये आम आदमी पार्टी को वोटा उन्होंने जरूर पाती हैं, पर आम आदमी पार्टी मिले मौके लोगों को धोखा दिता है। ये अंदर लोगों की आवाज़ बनेगी, पार्टी ऐसा सारे मुद्दों से विचार करेगी। शहीद है उन्होंने गिरफ्तार तो पहले तो नहीं कर लेना चाहिए सी, क्रिस्टल क्लेयर केस से कहे कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं सी, साफ साफ दिख रहा सी, पैसा बरामद हो रहा सी, उहदी जिहड़ी वीडियो आंदी पई उह च एमएलए बैठा नजर आ रहा सी, इन्नी देर क्यों लगाती? ये पोलीटिकल पार्टियां दा, बीजेपी दा और बाकी पोलीटिकल पार्टियां दा प्रैशर है, और विशेष करके पंजाबियां दा प्रैशर है, सोशल मीडिया च जिहड़ी इहनां दी पत रुली है उहनू लिपा पोची करन लई इहनां ने फड़िया है। कोई सीरीयस नहीं, कोई एक मामला नहीं, 3 मामले हो गए ने इत्थे, की मिलिया उहनां मामलिआं च? इस करके ये सरकार जिहड़ी अपने आप नूं कट्टर ईमानदार कहंदी सी, कट्टर बेईमान साबित हो चुकी है, दिल्ली च भी, पंजाब च भी।